दो चरणों में समाजवादी पार्टी मुसलमान वोटर को साधती रही, लेकिन यहाँ छह सीटों में से किसी भी मुसलमान प्रत्याशी को आपने वोट नहीं दिया। जाति जाति की बात की जो उठाया उसका जवाब दे दूं। जातिवाद ये इस तरह करते हैं, जैसा कि कहा माननीय विधायक जी ने कि हम जाति के पे विश्वास नहीं करते हैं। जातिवाद ये इस तरह करते हैं कि बांदा में प्रोफेसर जो 11 ठो नियुक्त हुए उनमें 10 ठो केवल एक जाति विशेष के नियुक्त हुए, 10 केवल एक जाति विशेष के नियुक्त हुए। यहाँ पे जहाँ भी नियुक्ति हुई सरकार के द्वारा, मतलब आप जाति कार्ड ही खेल रहे हैं ना, कुल मिलाकर गोल गोल चक्री घुमाकर आप जातियों पर आ गए ना। केवल पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों अल्पसंख्यकों दलितों का नुकसान किया गया है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर आपके साथ, इसलिए अब आप गैर यादव जो ओबीसी वोट है उसकी बात करने लगे। मैं इसका इनको जवाब दे दूं कि हमारे यहाँ का स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यूपी का एक विशेष नाम से जाना जाता था। नौकरियां जब निकलती थी तो कुछ ही लोगों की नौकरियां लगती थी। सर काम आप भी नहीं है, पर्चे आपके टेन्योर में भी लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं आप भी नहीं करा पा रहे हैं, परीक्षाएं आप भी नहीं करा पा रहे। कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे साथ शिवकांत तिवारी, कांग्रेस है कहां लड़ाई में? यहां तो बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर दिख रही है आपको। हुसैनगंज में दिखेगा, वहां पर समाजवादी पार्टी बैसाखी का कैंडिडेट कर उतार के रखा है। वहां पर सीधे तौर पर हमारी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने दहशतगर्दी, गुंडागिरी, भू माफिया के नाम पर राजनीति किया है। आपको पता होगा जहां शो कर रहे हैं उसके पीछे भी जमीन है, उन्होंने हथियार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।